गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी भारत की जनसंख्या के आंकड़े। तो अगर हम बात करें भारत की जनगणना के बारे में, तो सबसे पहले जो भारत की जनगणना हुई थी उसके प्रारंभिक प्रमाण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं। इसके बाद में मुग़ल काल में अबुल फजल के आईने अकबरी में मिलते हैं। और अगर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर एक व्यवस्थित जनगणना देखी जाए भारत में, तो इसके प्रयास किए गए थे 1865 से लेकर के 1872 के बीच। लेकिन फिर भी जो एक क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत है वो 1872 से मानी जाती है। इसके अलावा 1872 से मानी जाती है, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में इसको शुरू किया गया और इसी के बाद से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, भारत की जनसंख्या की जनगणना की जाती है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्रमबद्ध तरीके से जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, तो दैट वॉज 1872। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल के बाद से ही हर 10 वर्ष बाद जनसंख्या की जाती है, जनसंख्या की जनगणना की जाती है। ठीक है, इसके बाद है हम जो पढ़ेंगे उसमें है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, यानी कि जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जो है उसमें हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम जनसंख्या लिंग, लिंगानुपात, आयु, शिक्षा का स्तर, रोज़गार का स्तर, रिलेशनशिप मतलब कि उनके हाउस होल्ड है उनका रोज़गार का स्तर, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जनसंख्या को दो भागों में पढ़ेंगे, जिसमें हम शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर कौन सी जनसंख्या रहती है, किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, इसके अलावा जो जनसंख्या है वो अधिकतम घनत्व कौन सी भाषा का है, किस रिलीजन का है, किस प्रकार के रोज़गार हैं, ये सब हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे आगे हमारे पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें कुछ डेटाज हैं। अगर हम देखेंगे भारत की जनसंख्या जो है उसका विश्व में क्या स्थान है, तो हम देखते हैं भारत के पास में विश्व का केवल 2.4% धरातलीय स्थान है। लेकिन अगर हम जनसंख्या देखें तो भारत में जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की 17.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसका कंपैरिजन संयुक्त राज्य अमेरिका से करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में जो धरातलीय क्षेत्र है वो मात्र 7.2% है। लेकिन अगर जनसंख्या देखें तो यहाँ पर जनसंख्या मात्र 4.5% है, यानी कि जितना धरातलीय क्षेत्र है उससे कम जनसंख्या है। और अगर हम भारत के कंपैरिजन में देखेंगे तो भारत के पास में धरातलीय जो स्थान है वो बहुत कम है, दैट इज़ ओनली 2.4, और यहाँ पे जो जनसंख्या है वो हम देखते हैं 17.2% है। इसके अलावा भारत की जो कुल जनसंख्या है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है, यानी कि इन सभी देशों को अगर एक साथ मिला लिया जाए तो इन अलग अलग देशों की जनसंख्या और भारत की एक जनसंख्या ये होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो अगर हम देखेंगे ग्रोथ रेट भारत में 2001 से लेकर के 2011 के मध्य कुल 181 मिलियन जनसंख्या की अधिक बढ़ोतरी हुई थी, 181 मिलियन से भी ज़्यादा। ये जो 181 मिलियन सिर्फ ग्रोथ रेट है 2001 से लेकर के 2011 के बीच, ये जो ग्रोथ रेट है जितनी जनसंख्या बढ़ी है ये टोटल जनसंख्या ब्राज़ील की है। और अगर हम ब्राज़ील को भी देखेंगे तो इसका भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो है
अधिकतम जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में 5वें नंबर पर आता है। अधिकतम जनसंख्या के मामले में अगर हम लोग कंट्री वाइज चलें तो हम देखते हैं चीन है सबसे पहले नंबर पे, जिसके पास विश्व की 19.4% जनसंख्या है। भारत है दूसरे नंबर पे, जिसके पास में 17.5% जनसंख्या है। फिर आ जाता है अमेरिका, जिसके पास में 4.5% जनसंख्या है। फिर हो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के पास में 3.4% है। फिर 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील, जिसके पास में 2.8% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। लेकिन अगर हम देखें, मैंने जो आप लोगों को ग्रोथ रेट बताई थी भारत की, जो कि ब्राज़ील की जनसंख्या के बराबर है, इतनी तो हम लोगों ने एक डिकेडल ग्रोथ ले ली है। ब्राज़ील के बाद में अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, रूसी गणराज्य है और जापान है। या आप देख सकते हो ये मेजर पॉपुलस कंट्रीज़ है, और रिमेनिंग जितनी भी कंट्रीज़ है उसके पास में 41% है। अगर हम ये देखेंगे तो ये सिर्फ टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिनके पास में मोर देन 50% पॉपुलेशन है, यानी कि इन क्षेत्रों में पॉपुलेशन जनसंख्या अधिक है। अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया में और उसके इंडिया के साथ साथ कुछ दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो भारत की जो वृद्धि दर थी, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आंकलन था जिसमें वार्षिक वृद्धि डिकेडल ग्रोथ थी, वो अगर हम देखें तो 2000 से 2010 के बीच में भारत की जो ये ग्रोथ थी वो थी 1.23%। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है हमारे पास में, जबकि जो चीन की थी वो थी हमारे पास में 0.53%। लेकिन जो भारत की 2001 से 2011 में जो वृद्धि हुई वो हो गई 1.64%, पहले से भी ज़्यादा हो गई है ये। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ। ये जो है पॉपुलेशन और इट्स ग्रोथ में यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ दे रखी है। चेंज जो हुआ है जितना पॉपुलेशन में प्लस माइनस में हो वो हम यहाँ देख सकते हैं। एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रोथ रेट देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग जो डिकेडल ग्रोथ रेट देख रहे हैं भारत में, इसको हम लोग चार भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिकेडल ग्रोथ रेट हम लोग जो जनरलाइज पढ़ेंगे वो 1901 से लेकर के 1921 के बीच में पढ़ेंगे। फिर 21 से लेकर के 51 के बीच में पढ़ेंगे, 51 से लेकर के 81 के बीच में पढ़ेंगे, और फिर 81 से लेकर के 2001 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1901 से लेकर के 1921 के मध्य क्या हुआ था पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो हम ये देखते हैं ये मंद वृद्धि की अवधि है। यस, मंद वृद्धि की अवधि का मतलब ये है कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि इस समय पर जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रही। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रोथ हुई है लेकिन फिर वापस से माइनस में हुई है, और अगर हम परसेंटेज देखें तो यहाँ पे माइनस में ही ग्रोथ हुई है। तो हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जन्म दर उच्च बनी रही और मृत्यु दर भी उच्च बनी रही, और जो उच्च मृत्यु दर का कारण था वो चिकित्सा सुविधाएँ और सुपोषण, यानी कि पोषण नहीं मिलना के कारण से बहुत मृत्यु दर हुई। इसके अलावा जो 1911 से 21 के अंदर इन्फ्लुएंजा महामारी भी आई थी, जिसमें टोटल भारत की पॉपुलेशन का 7% जो भाग था वो ख़त्म हो गया था या शिकार हुआ था। इसी के कारण से यहाँ पे डिकेडल जो ग्रोथ है वो माइनस में चले गई। और एक और जो कारण है वो है माइग्रेशन। इस काल के अंदर लोगों ने दूसरे देश में भी माइग्रेट किया था, ठीक है, और इसीलिए इसको महान विभाजक, भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक रेखा कहा जाता है। क्योंकि पूर्व तक तो जनसंख्या दर धीमी थी लेकिन फिर माइनस में हुई और उसके बाद में कंटिन्यूसली बढ़ती ही गई। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक स्लो रेट थी, ग्रोथ रेट जो थी उसके बाद माइनस में आई, और माइनस में आने के बाद तो फिर वो कंटिन्यूसली बढ़ती ही गई। तो इसीलिए इसको एक डिवाइड लाइन कहा जाता है। उसके बाद में है 1921 से लेकर के 51, इसमें जो थी नेचुरल जो जन्म रेट थी, बर्थ रेट थी, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थी।
इसके अंदर, लेकिन इस काल के अंदर भी थोड़ा सा महामारी और अकाल का टाइम आया था, जिसके कारण से कुछ हद तक यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल थी। इसके अलावा इस समय पर स्वास्थ्य सेवाएं भी सुधार हुआ था, और यहाँ पर जो मृत्यु दर जो पहले 1921 तक हम देखते हैं 47 प्रति हज़ार थी, वो घटकर के 27 प्रति हज़ार हो गई। यानी कि 21 से लेकर के 51 में जो मृत्यु दर थी वो काफ़ी कम हो गई, लेकिन जन्म दर पहले भी ज़्यादा थी और अभी भी यहाँ पर ज़्यादा बनी रही, जिसके कारण से जो ग्रोथ रेट है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर बढ़ी हुई है। उसके बाद हमारा जो चौथा दशक आता है वो है 51 से लेकर के 81 तक। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं, इस जो 51 से लेकर के 81 वाला काल था, इस अवधि में जनसंख्या के अंदर विस्फोटक वृद्धि हुई, मतलब एकदम ब्लास्ट पॉपुलेशन हुआ। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि देश की जो पॉपुलेशन थी वो जस्ट डबल हो गई, और इस अवधि में जो औसत वृद्धि दर थी वो 2.2% हो गई, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई और स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि हुई, जिसके कारण से यहाँ पर जो मृत्यु दर थी वो और भी ज़्यादा कम हो गई। फिर जो हमारा चौथा काल आता है वो है हमारा 1981 से 2011। 1981 से 2011 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी जन्म दर ऊँची बनी रही, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की कंपैरेटिवली वो थोड़ी सी कम हुई थी। अब यहाँ पर जो जन्म दर जो पहले 81 तक 34 प्रति हज़ार बनी हुई थी, वो यहाँ आकर के 20.6 प्रति हज़ार बन गई थी 2011 तक। इसीलिए यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, अगर हम देखेंगे चलते जाएंगे, देखो 1901 तक तो हमारे पास में इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, 11 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5.75 है, फिर यहाँ पे माइनस में आ गया, फिर 11% तक बढ़ा, 14%, 13%, 21%, 24, फिर हम देखते हैं 23, फिर 21 से लेकर के 17 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंपैरेटिवली कम होती जा रही है ग्रोथ रेट, ठीक है। जन्म दर के में अगर हम गिरावट का देखेंगे संबंध, तो यहाँ पर अचानक से ऐसा माना गया कि उच्च शिक्षा, उच्च जीवन स्तर, शिक्षा का प्रसार, और शिक्षा का प्रसार भी विशेष रूप से महिलाओं में, शहरी जीवन शैली, रोजगार में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में भागीदारी, द्वितीयक तृतीयक यानी कि अब नॉन एग्रीकल्चर या बेसिक जो हमारे पुराने पैटर्न थे उसके अलावा दूसरी जॉब्स में जाने लगे, जिसके कारण से लोगों में छोटा परिवार, सुखी परिवार की धारणा हुई, जिसके कारण से यहाँ पर तो इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट पॉपुलेशन बढ़ती रही, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट, अगर हम कंपैरेटिवली पुराने हमारे आंकड़ों को कंपैरिजन करें तो डिक्रीजिंग रेट के अंदर चल रही है, ठीक है। और 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत का जो औसत वार्षिक घातांक की एक्सपोनेंशियल जो वृद्धि है वो अब है 1.64%, और ये जो है 5 राज्यों में 1% से भी कम है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टेट वाइज डेंसिटी देखेंगे, लिंगानुपात देखेंगे, सेक्स रेशियो देखेंगे, दूसरे अदर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम आज की क्लास को समअप करें तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जनरल ये देखा कि जनसंख्या जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसके बाद में भारत का अगर हम वर्ल्ड लेवल पे स्थान देखें तो कौन से नंबर पर है, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमने देखा जनसंख्या और इसकी वृद्धि 1901 से लेकर के 2011 तक में किस प्रकार से बढ़ी है, ठीक है। थैंक यू। इस टॉपिक को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।